नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, और ख़ास करके DU JET, गवर्नमेंट जॉब जो बैंकिंग, SSC और रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा आज का दो रूल मैंने कल बताया था, और आज एक रूल है, थर्ड रूल है ये। क्वेश्चन है हमारा, पहला एग्जाम्पल, अ डिस्ट्रीब्यूटर बाय बुक फॉर ₹5400 फ्रॉम अ पब्लिशर, ही हैड टू सेल 5/6 एट अ लॉस ऑफ 6%। एट व्हाट परसेंट गेन ही हैड टू सेल द रिमेनिंग स्टॉक सो एज टू मेक एन ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द टोटल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन है कि हमारा 5/6 पार्ट जो 6% लॉस पे उसने बेच दिया, रिमेनिंग को कितने पे बेचेगा ताकि उसे नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन इंटू एक्स परसेंट। यहाँ पे एन है जितने पार्ट आपने बेच लिया था और कितने परसेंट पे, तो वो एक्स हो जाएगा। तो एन और एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, 5/6 अपॉन वन माइनस 5/6 इंटू 6 हो जाएगा। ये 5/6 एज इट इज, ये इसको माइनस करोगे तो 1 - 5/6 इक्वल टू 6 - 5/6 इक्वल टू हो जाएगा 1/6। ये मैंने 1/6 लिख दिया। उसके बाद आपने 5/6 अपॉन 1/6 इसको रेसिप्रोकल कर दिया 5/6। उसके बाद हो जाएगा ये 6/1 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल, 6/30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल हमारा है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बुक ₹4,6,000 फ्रॉम अ पब्लिशर, ही हैड टू सेल 1/3 एट द लॉस ऑफ 30%। एट व्हाट परसेंट गेन ही शुड सेल द रिमेनिंग स्टॉक सो एज टू मेक एन ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द टोटल ट्रांजेक्शन। तो वही है कि हमारा इसने 1/3 पार्ट को बेच दिया 30% लॉस पे, तो हमारा एन इक्वल टू 1/3 और एक्स इक्वल टू 30 है, और कहता है कि हमें बाकी रेस्ट को कितने पे बेचोगे ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। प्रॉफिट इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन इंटू एक्स होता है परसेंट। एन हमारा एन और एक्स की वैल्यू डाल दी 30 × 1/3, 1 - 1/3। इसको सॉल्व करोगे 1 - 1/3 को, तो 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा, 2/3 कर दिया और इसको काट दिया, 10 हो जाएगा। इसको 3 वाले को ऊपर लिख दिया तो 10 × 3/2, 10 को काट दिया तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, ये आंसर हो गया। देखा दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा आंसर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। अब सिंपली बना सकते हो और अपने टाइम बचा सकते हो यदि ये सब आप ट्रिक्स याद रखोगे तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, और ऐसे ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी तो सेगमेंट चालू हुआ, अब ये चलता रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।